दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक विश्वास चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अपने आधार कार्ड के बायोमेट्रिक डिटेल को अगर आपने लॉक कर दिया है तो अनलॉक करना चाहते हैं, ठीक है। बायोमेट्रिक डिटेल को अगर अनलॉक करना चाहते हैं तो उसको कैसे अनलॉक करते हैं, ठीक है, इस वीडियो में आपको बताऊँगा, ठीक है। दोस्तों, पोर्टल से अगर आप जाके बायोमेट्रिक डिटेल को अनलॉक करते हैं तो वो ओनली 10 मिनट के लिए अनलॉक होता है, फिर इसके बाद से लॉक हो जाता है। चाहते हैं कि परमानेंटली हमारा बायोमेट्रिक जो है फिंगरप्रिंट की डिटेल है वो परमानेंटली अनलॉक हो जाए, जैसे पहले था वैसे हो जाए, ठीक है। आपको ये समझाएंगे और आपको कैसे करना है। ये UIDA के पोर्टल से लॉक तो हो जाता है, लेकिन परमानेंटली अगर आपको अनलॉक करना है तो वो पोर्टल से वहाँ से नहीं होता है। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो ये आपके वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, आप इस रेड बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों देखिए, मैं आपको बताऊँ क्या करना है। आपको अपने फ़ोन में जाना होगा, जो भी आपके पास फ़ोन होगा, 4G फ़ोन या 3G फ़ोन, कुछ भी फ़ोन हो, आपको फ़ोन यूज करना पड़ेगा इसके लिए। ये सिस्टम में नहीं होगा, पोर्टल पे नहीं होगा, आपको सीधे फ़ोन में जाना है। और फ़ोन में जाने के बाद दोस्तों आपको एक ऐप डाउनलोड करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद प्ले स्टोर में आपको ये एम आधार नाम का ये गवर्नमेंट का ऑथराइज ऑफिशियल ऐप है, ठीक है। इस ऐप को आपको इंस्टॉल करना है। मैंने इंस्टॉल कर लिया है और सब कुछ सेटिंग वेटिंग मैंने कर लिया है, तो मैंने सोचा आपको बताना चाहिए, क्योंकि मैंने भी अपने फिंगरप्रिंट डिवाइस को लॉक कर दिया था और अनलॉक करते समय काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। मैं अनलॉक तो कर रहा था लेकिन वो 10 मिनट के लिए अनलॉक हो रही थी, फिर दोबारा लॉक हो जा रही थी, ठीक है। तो मैंने परमानेंटली अनलॉक किया है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कैसे अनलॉक करते हैं। तो सबसे पहले आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आप ऐप को ओपन करेंगे तो ये आपका मोबाइल नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना होता है। तो यूज़र आईडी आपका अपना मोबाइल नंबर हो जाएगा जो आधार कार्ड से लिंक होता है, ठीक है। जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होता है वो आपका यूज़र आईडी हो जाता है, और पासवर्ड आपको क्रिएट करना होता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम जैसे आप ओपन करेंगे तो पासवर्ड क्रिएट करने को बोलता है, तो आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। देखिए, मैं ओपन करता हूँ, ये पासवर्ड मांगता है पहले, तो मैं इसको पासवर्ड दूंगा जो मैंने सेट किया है। ये देख लीजिए, ओपन करने के बाद फिर ये आधार नंबर मांगता है, मैंने आधार नंबर दे दिया था। आधार नंबर मांगने के बाद फिर ये पासवर्ड पूछता है, फिर पासवर्ड देके वेरीफाई करते हैं, ठीक है। उसको करने के बाद जब आप इस पर टच करेंगे दोस्तों, तो फिर से पासवर्ड आपको देना है, यहाँ पे ओके करना है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे सब कुछ आ गया है, मेरी आधार की डिटेल सब कुछ यहाँ पे शो कर रहा है। और यहाँ पे नीचे आपको बॉटन में दिख रहा होगा रेड कलर में, आपको देखिए यहाँ पे ये बायोमेट्रिक लॉकेट क्लिक है टू अनलॉक, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये अनलॉक तो हो जाएगा, लेकिन 10 मिनट के लिए अनलॉक होगा और टाइमिंग चल जाती है, ठीक है। मैं अभी वो करके दिखाऊँगा आपको, और फिर उसका 10 मिनट बाद फिर से लॉक हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस चीज़ को परमानेंटली करने के लिए मैं यहाँ पे लाइव करके दिखा रहा हूँ क्या करना होगा आपको। आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो 3 बटन आपको दिख रहे होंगे, 3 डॉट दिख रहे हैं आपको राइट हैंड में टॉप पे, 3 डॉट दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करना है आपको। और यहाँ पे और बायोमेट्रिक सेटिंग पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे बायोमेट्रिक सेटिंग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अनेबल बायोमेट्रिक यहाँ पे टिक मार्क है, यहाँ से इसे अनटिक कर देना है, ठीक है। तो मैं इसे अनटिक कर देता हूँ। अनटिक करने के बाद दोस्तों अब मेरी बातों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अनटिक करने के बाद आपको बैक आना है। इतना बैक आने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको 6 घंटे तक अपने कहीं पर फिंगरप्रिंट को देना नहीं है, ठीक है। कहीं पे बायोमेट्रिक डिटेल आपको देनी नहीं है, फिंगरप्रिंट का यूज नहीं करना है, फिंगरप्रिंट का कहीं भी यूज नहीं करना 6 घंटे तक। 6 घंटे में आपके बायोमेट्रिक डिटेल है वो परमानेंटली पहले के तरह अनलॉक कर दी जाए, ठीक है। और यहाँ पे आप अनलॉक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पासवर्ड देंगे फिर से, ये देखिए यहाँ पर टाइमिंग चल जाएगी, फिर 10 मिनट के लिए अनलॉक कर दिया जाएगा, लेकिन फिर से लॉक हो जाएगा 10 मिनट बाद। तो वहाँ से आपको अनटिक कर देना है, अनलॉक कर। देखिए यहाँ पे सक्सेसफुल अनलॉक दिखा रहा है, मैंने कुछ देर पहले किया था, अनलॉक हो गया, टाइमिंग चल गई, ये 10 मिनट फिर से लॉक हो जाएगी हमारी बायोमेट्रिक डिटेल, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आप अपने परमानेंटली के लिए आधार जो भी आपने लॉक किया है उसको परमानेंटली अनलॉक कर सकते हैं एम आधार ऐप के थ्रू, ठीक है। अदरवाइज ये पोर्टल पर आप नहीं कर सकते हैं,
होटल पे ये सर्विस दी नहीं गई है, ठीक है। मैंने आधार सेंटर में बात करी है, वहाँ भी ये बता गया वहाँ पे ये सर्विस नहीं है, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो थी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों हो सके तो आप हमारे टेक कुछ वाइज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।